तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 113 में हमसे क्या पूछा गया है। अ मैन हुज मास इज 70 किलोग्राम क्लाइम्स फ्रॉम अ हिल स्टेशन ए टू अनदर हिल स्टेशन बी। द हाइट ऑफ हिल स्टेशन ए इज 1200 मीटर अबव द सी लेवल एंड डैट ऑफ बी इज 1800 मीटर अबव द सी लेवल। कैलकुलेट द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो जो यहाँ पे मास गिवन है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 70 किलोग्राम गिवन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हमें यहाँ पे दो हिल स्टेशन दे रखे हैं, एक तो हमें यहाँ पे ए दे रखा है, एक हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो जो यहाँ पे मैन है जिसका मास यहाँ पे 70 किलोग्राम है, वो यहाँ पे क्या करेगा, हिल ए से हिल बी पे क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। और उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पे ए एंड बी के बीच की दूरी निकाल लेनी है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, जो हमारे यहाँ पे हिल स्टेशन ए है वो हमारे यहाँ पे क्या, सी लेवल के 1200 मीटर अबव है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल के। एंड दूसरा वाला जो हमारे यहाँ पे क्या है, 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1800 मीटर। तो इसका मतलब जो यहाँ पे आदमी है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1200 मीटर से 1800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे बीच में कितना हो जाएगा, 600 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब जो हम यहाँ पे हाइट लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 600 मीटर की लेके चलेंगे। और जो हम यहाँ पे ग्रेविटी लेके चलेंगे वो हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। वो आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं होगा तो हम यहाँ पे 9.8 लेके चलेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पे पहले से ही गिवन था, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया था। तो आपको यहाँ पे ग्रेविटी क्या लेके चलनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्क डन निकालना है जब आदमी जो है हिल स्टेशन ए से बी की तरफ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो जो हमारे यहाँ पे वर्क डन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि जो यहाँ पे आदमी है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाइट कवर कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो आदमी का मास यहाँ पे कितना था, 70 किलोग्राम। ग्रेविटी हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट हमारे यहाँ पे कितनी है, 600 मीटर है। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 42 होता है। और यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जीरो आगे लगा लेंगे। और जो हमारा आंसर आएगा किस में आएगा, जूल्स में आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या था, वर्क डन था। वर्क डन हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 42 एंड 4 टाइम्स 0। और जो यूनिट होगी वो किस में आएगी, जूल्स में आएगी। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4.2। और आगे यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। पॉइंट लगाने के बाद हमें यहाँ पे आगे के डिजिट को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 5 आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएंगे। यूनिट हमारी किस में आएगी, जूल्स में आएगी। और आप चाहे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।